जाली जी, सॉरी, वो बेटी की शादी है ना, तो सारे काम मेरे सर पे आ गए हैं। नहीं कोई बात नहीं, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। हाँ जी जाली जी, शुरू करो। फहीम साहब, इकबाल एनकाउंटर के बारे में आपको जो कुछ भी पता है, सब कुछ खुल के जज साहब को बताइए। जनाब, मेरा नाम फहीम भट्ट है, मैं कश्मीर पुलिस में हेड कांस्टेबल था, क्राइम ब्रांच में। जनाब जनाब ये हाँ जी साहब, मैं हिदायत बेग, थाना शालीमार श्रीनगर से आया हूँ। मेरे पास जगदीश्वर मिश्रा और जॉली और फहीम भट्ट के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। वकील साहब पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने फहीम भट्ट को हिरासत से भगाया। अरे वकील साहब, अब श्रीनगर में क्या करा है यार? यार मतलब हद ही है आजकल वकीलों की, है जी मादर साहब? जी श्रीमान, बहुत दुख की बात है कि कानून की रक्षा करने वाले ही कानून के साथ जब खिलवाड़ करेंगे तो समाज भ्रष्ट हो जाएगा श्रीमान, प्रजातंत्र नष्ट हो जाएगा। मेरे हिसाब से तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। रही डेट की बात, केस की बात, तो हमें कोई भी डेट दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। जनाब आप चाहेंगे तो कोर्ट खत्म होते ही हम दोनों कश्मीर पुलिस को सरेंडर कर देंगे, लेकिन उससे पहले आप फहीम भट्ट का बयान जरूर दर्ज कर लीजिए। ये मेरी हाथ जोड़ के विनती आपसे। देखो वकील साहब, आप मुझसे तो कुछ उम्मीद रखो नहीं, समझ में आया? नहीं आया? नहीं, मैं बहुत झेल चुका हूँ आपको। नहीं नहीं, ये निरुपा राय की एक्टिंग मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, मासूम सा चेहरा मत बनाओ। इंस्पेक्टर साहब, आप गिरफ्तार करो इनको। जनाब सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, बयान ले लीजिए, मुझे फिर बाद में। मेरी बात सुनिए। अरे लेके जाओ भाई। अरे भाई सुनो, वकील साहब को बोला ले जाने के लिए, इनको थोड़ी ना बोला, इनको कटघरे में वापस लेके आओ। चलो वारंट तो दोनों के खिलाफ है। अरे भाई जानता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन ये फहीम भट्ट जो है ये तो लिस्टेड विटनेस भी है ना, तो इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। और आप एक काम करो, रिकॉर्ड होने के बाद ना आप दोनों को साथ ले जाना। हाँ जी जाओ जाओ। लेकिन श्रीमान ये स्टेटमेंट तो अगली डेट को भी रिकॉर्ड हो सकती है। माथुर साहब देखो क्या है, कल से मैं 2 महीने की छुट्टी पे जा रहा हूँ, बिटिया की शादी है, आपको तो मालूम है ना, मतलब मैं कार्ड भेजूंगा, आपको आना होगा। हाँ जी हैं, तो मैं क्या सोच रहा था कि सारे पेंडिंग केसेस खत्म करके जाऊंगा, इसीलिए 6 बजे के बाद भी देखो कोर्ट चालू है मेरी। लेकिन 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 श्रीमान, एक आदमी जो पुलिस कस्टडी से भागा हुआ है, उसकी स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड हो सकती है? इस विटनेस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। नहीं नहीं, क्या है मात्र साहब, 2 मिनट की बात जी। हाँ जी, रिकॉर्ड हो जाएगा स्टेटमेंट, उसके बाद हम आपके यहाँ कौन है जी। माफ कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा है सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, जज को मत बताओ आप, उसी के कोर्ट में कि वो गलत कर रहा है। ये मत करो आप। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। आपके दिल्ली के किस्से मैंने सुने हुए हैं। हाँ, आप किसी की चलने ही नहीं देते थे, जो मन में आता था वो करते थे, उद्दंड आदमी की तरह बिहेव करते थे सर। कुर्सी पे बैठ के आप तुगलक ना समझिए, ये दिल्ली नहीं अवध है। क्या बोल रहे हो आप मुझे, तुगलक बोल रहे हो आप मुझे? मतलब संकी समझ के रखा हुआ है। माथुर साहब, अगर हार्ट का मरीज नहीं होता ना मैं, तो आपको बताता इस कुर्सी पे बैठ के कि असली तुगलक होता है। एक मिनट सर। नहीं नहीं नहीं, आप एक बार बैठ कर देखो इस कुर्सी के ऊपर, ना बाईपास सर्जरी हो जाए, मेरा नाम बदल देना आप। हाँ जी, ये सब मत करो, आप बैठो, कार्रवाई शुरू करते हैं। हाँ जी। नहीं सर, सर ये नहीं होना दूंगा मैं। क्या होने नहीं दोगे, मतलब क्या सर? ये आपत्तिजनक बात है सर ये। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप जो हो रहा है होने दो, मैं बैठा हूँ, मैं कर रहा हूँ ना सब, मुझे गलत मत साबित करो। सर अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं यहीं पर अदालत में धरने पे बैठा हूँ। ये धरने पे बैठ गया। अरे ये लीजिए। अरे क्या कमाल कर रहे हो आप सच में बैठ के क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? खड़े हो जाओ। बिल्कुल यहीं बैठा रहूंगा। अरे मत बैठो भाई, वहां पर पोछा भी ढंग से नहीं लगाते हैं लोग कोर्ट के अंदर। प्लीज खड़े हो जाओ माथुर साहब, प्लीज खड़े हो जाओ। मैं धरने पे बैठा हूँ, धरने पे बैठा रहूंगा। यहाँ मीडिया देख रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? अरे तो सर मीडिया भी तो देखे ना कि बाहर के जज आकर कैसे अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कोर्ट को अपना घर समझ लेते हैं। मैं यहीं पे बैठा हूं और बैठा रहूंगा, इनको जो लिखना है लिखो। मतलब आप नहीं उठोगे ना? तो बैठे रहो, और आप ही क्या बैठोगे भाई, मैं भी बैठूंगा आपके साथ साथ वहां पर, भाई पता लगे सबको कि वकील ससुरे क्या क्या करते हैं कोर्ट में। तू वहीं पर। हाँ जी मैडम जी, हटो आप, पकड़ो कुर्सी को पकड़ो। हाँ जी, थैंक यू जॉली। हाँ जी माथुर साहब, अब तो आप बैठो और बैठेंगे हम, और आज देख लें इसमें कितना है, तो ठीक है ना?
जो कुछ भी हुआ वो शायद भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। एक विटनेस की हाजिरी कराए जाने को लेकर डिफेंस लॉयर प्रमोद माथुर और जस सुंदर लाल त्रिपाठी के बीच तीखी नोकझोंक हुई और वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट रूम में ही धरने पर बैठ गए। और अब देखना यह है कि ये दोनों इस तरह कब तक धरने पर बैठे रहते हैं। सर, माथुर साहब का जवाब नहीं है सर। पिछले 5 घंटे से धरना देकर बैठे हैं। कमाल की बात यह है सर, फहीम भट्ट का बयान तक रिकॉर्ड होने नहीं दिया। अब तो जज साहब को आगे की डेट देनी पड़ेगी, फिर तो जाली वकील भी नहीं रहेगा। चलो विकेट साहब, कश्मीर चले। मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखो, ठीक है? The court resumes. आप सब लोग बैठ जाइए और भाई जरा कोर्ट में शांति बना के रखिएगा। श्रीमान, इट इज मिडनाइट 12. आप हमें अगली कोई भी डेट। तो माथुर साहब, आपकी पिछली डेट क्या थी? 13 अगस्त है जी, अब हो गई 14 अगस्त, तो आपकी अगली डेट है 14 अगस्त 12:05 AM। श्रीमान, आधी रात बीत चुकी है, प्रोसीडिंग में तो सवेरा हो जाएगा। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट भी भाई 3-3, 4-4 बजे तक काम करता है, थोड़ा अभी सीख लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। हाँ जी प्लीज सर। नहीं नहीं, देखिए माथुर साहब, आपको धरना देना था, आपने धरना दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ जी, अब आपको वॉकआउट करना है तो आप वॉकआउट कर सकते हो, लेकिन आज ही की रात फहीम भट्ट की स्टेटमेंट यहां रिकॉर्ड होगी। हाँ जी, जॉली जी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए। जी फहीम। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। फहीम साहब को बताओ क्या क्या हुआ था। जनाब, इस इनकाउंटर से कुछ महीने पहले हमने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजी थी सिंह साहब की टीम को, जिसमें एक कश्मीरी मिलिटेंट इकबाल कादरी के डिटेलर्स थे जो यहाँ लखनऊ में छिपा था। जनाब, इस इनकाउंटर से एक दिन पहले मुझको फोन करके यहाँ बुलाया गया ताकि मैं इस बात की शिनाख्त कर सकूँ कि जिस इकबाल को इन्होंने पकड़ा है वो इकबाल कादरी है या नहीं। जनाब, जब मैं यहाँ पहुँचा तो उस शख्स का निकाह हो रहा था। मैं देखते ही समझ गया कि इकबाल वो इकबाल नहीं है। मगर जनाब, सिंह साहब की टीम ने मुझ पर प्रेशर बनाया कि मैं अपनी रिपोर्ट में ये कहूं कि इकबाल कासिम ही इकबाल कादरी है। मैंने ये करने से मना कर दिया, मैं श्रीनगर वापस चला गया। फिर जनाब, जब मैंने इनकाउंटर की न्यूज पढ़ी तो मेरे को जनाब बड़ा अफसोस हुआ। मैंने श्रीनगर में अपने अफसरों को बताया तो बोले बात को रफा दफा करो। मैंने बहुत समझाया उनको, वो नहीं माने। जब वो नहीं माने तो मैंने दिल्ली में सेंट्रल एजेंसी को इस इनकाउंटर की कंप्लेंट कर दी। मुझ पर कंप्लेंट वापस लेने के लिए बहुत प्रेशर डाला गया, फिर मैं नहीं माना। तो इन्होंने क्या किया जनाब, एक दिन मुझको गिरफ्तार कर लिया, एक झूठा मुकदमा बनाकर मुझे जेल में डाल दिया जनाब, और मेरे को जनाब महकमे से भी बाहर कर दिया जनाब मेरे को। शुक्रिया जनाब। माथुर साहब, आप कुछ कहोगे या नाराज हो अभी तक? अरे नहीं नहीं श्रीमान, आपकी नाराजगी मोल लेकर अपनी दुकान थोड़े बंद करवानी। मगर मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, आप तो गुस्सा नहीं है? नहीं नहीं, मैं नाराज वाराज कुछ नहीं हूँ, लेकिन यार अगली बार से तुगलक मत बोलना मेरे को।
हाँ जी माथुर साहब, मतलब इस कोर्ट में बैठे बैठे मेरे बाल सफेद हो गए। आई थिंक आई डिजर्व सम रिस्पेक्ट। क्षमा प्रार्थी हूँ श्रीमान। ठीक है, आप शुरू करें। फाइन बट, आप माननीय न्यायाधीश महोदय को बताएंगे कि ये केस क्या है, इस अदालत में हम किस सच्चाई की खोज कर रहे हैं। ये कि कांस्टेबल भदौरिया और इकबाल की मौत कैसे हुई। तो आपने अभी जो राबी चिनाब झेलम जैसी लंबी कहानी सुनाई है, उससे कहीं ये साबित होता है कि इन दोनों की मौत कैसे हुई, क्योंकि मौके वारदात पे आप तो थे नहीं। जी नहीं, लेकिन ये तो पता चला। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अगर कोई और फिल्मी कहानी सुनानी हो तो जज साहब को सुनाई, इनको फिल्मों में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो मेरे प्रश्न का सीधा साधा जवाब दे दो यार, यस और नो। जी नहीं। वेरी गुड, वेल डन। फाइन बट, ये अगस्त 2010 में कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा इंसिडेंट में तुमको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, क्यों जनाब? इस सवाल का हमारे केस से क्या संबंध है? पंडित जी, अगर कोई संबंध नहीं हुआ ना तो काला कोट पहनना बंद कर दूंगा। मैंने आपसे कहा था ना, आपकी तरह कान घुमा कर नहीं पकड़ूंगा, सीधे पकड़ूंगा। जाऊं? जाइए सर, नहीं तो आप फिर धरने बैठ जाओ। तो क्यों सस्पेंड किया? मुझ पर एक आदमी की कस्टोडियल डेथ का इल्जाम था। तो तुमने किसी की जान ली थी? जी नहीं, मैंने उसे अरेस्ट किया था शक के बिना पर। उसे चौकी ले जा रहे थे हम पूछताछ के लिए, बहुत डरा हुआ था, उसने घबरा के पुलिस वैन से छलांग लगा दी, पीछे से ट्रक आ रहा था, वो मर गया। फाइन बट, एक बात बताओ, चलती वैन में तुम्हारी पकड़ से एक आदमी डर के मारे कूद सकता है, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि उसी डर के मारे कोई अपराधी कूद जाए, कांस्टेबल की बंदूक छीन ले और भागने की कोशिश करे? जनाब, लीड किया जा रहा है विटनेस को। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, प्लीज सिट डाउन। जैसा हो सकता तो खुल के कहो ना गुरु, हम सब अच्छी तरह से समझते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो चुका है, तो तुमसे बेहतर कौन बता सकता है कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, राइट? जी। वेरी गुड। बस अब एक आखिरी सवाल, तुमने अभी अपने स्टेटमेंट में कहा कि तुमको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, तुम्हारे खिलाफ केस क्या बनाया गया? मुझ पर इल्जाम था कि मैंने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दुश्मन को सप्लाई की। मगर वो इल्जाम झूठा है जनाब। जनाब, मुझे जेल में इसलिए डाल दिया गया क्योंकि मैंने इस मामले की कंप्लेंट सीबीआई को कर दी थी। ये तो तुम कह रहे हो ना, तुम्हारे कहने से मुकदमा झूठा नहीं हो जाएगा और तुम निर्दोष साबित नहीं हो जाएगा। एक मिनट जनाब, साहब भूल रहे हैं कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक आरोपी निर्दोष होता है। That is the point, वकील साहब। That's the bloody point. और श्रीमान, इस तर्क के आधार पर तो इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह और उनके साथी निर्दोष हुए सर। लेकिन 2 मिनट के लिए श्रीमान, ये अखबार पढ़िए, टीवी खोल के देखिए, सारा मीडिया, सारा समाज, सारा देश इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह और उनके साथियों को दोषी डिक्लेयर कर चुका है। हिज रेपुटेशन, हिज करियर, हिज फ्यूचर इज फिनिश्ड। अजब जलवा है हुजूर आपकी अदालत का, जहां एक आदमी जिस पे देशद्रोह का इल्जाम है वो उस आदमी पर इल्जाम लगा रहा है जिसने मातृभूमि की सुरक्षा की शपथ उठाई। श्रीमान, आज से कई साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें 9 बेकसूर लोगों की जाने गई थी। मृतकों में हमारे बड़े भाई, हमारी भाभी और 7 साल का भतीजा भी शामिल था। इसी आतंकी हमले में हमारे बाबूजी पूजनीय श्री जुगल किशोर माथुर भी घायल हो गए, मगर फिर भी वो आज यहां आए हैं। आधी रात को श्रीमान ये देखने आए हैं कि आप किसके साथ खड़े हो। और श्रीमान, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये न्यायालय इतना कमजोर है कि फैसला भी नहीं कर पा रहा है कि देश को सूर्यवीर जैसे अफसरों की जरूरत है या इकबाल कादरी जैसे हत्यारों की? और श्रीमान, अंत में सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हम कितना ही अनजान बने रहें, कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहें, लेकिन हकीकत यह है श्रीमान, दैट वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर।
और किसी विद्वान ने बड़ा सही कहा है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। बाकी श्रीमान न्याय आपके हाथ में। प्रमोद बात प्रणाम से कल करें।